वहीं गुमला के गांव से निकली होनहार बेटी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में गोल्ड मेडल अपने नाम कर गांव के साथ साथ राज्य और देश को गौरवान्वित किया। हरियाणा के पंचकुला में 3 जून से 13 जून तक आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में एथलेटिक्स अंडर 19 वर्ग में कामडारा प्रखंड के नावाडी गांव की रहने वाली आशा किरण बाड़ला ने झारखंड से 800 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर झारखंड को दूसरा गोल्ड मेडल दिला दिया है। आपको बता दें कि आशा किरण बाड़ला 2017 में 1 गोल्ड मेडल, 2018 में 3 गोल्ड मेडल, 2019 में 1 गोल्ड मेडल, 2021 में 1 सिल्वर और 2022 में अब तक 2 गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में लगातार उन बेटियों का नाम सामने आ रहा झारखंड से, जो राज्य का नाम रोशन कर रही हैं और गोल्ड मेडल जीत कर ला रही हैं। उनमें से एक और नाम आशा किरण का जुड़ चुका है, जिन्होंने 800 मीटर की दौड़ में जीत हासिल कर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। एक तो ये इनकी जो माता है ये विधवा है, तो हम लोग इनको आवास और पेंशन दे रहे हैं। राशन कार्ड में केवल 2 लोगों का नाम है, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि जो भी बचे हुए जितने भी बच्चे हैं सभी का नाम राशन कार्ड में जुड़ जाए और इनको पर्याप्त मात्रा में राशन उपलब्ध किया जा सके। इनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पानी की भी समस्या है, तो उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत रहेंगे, क्योंकि ये कुछ ड्राई जोन है, तो इसमें हम लोग किस तरह से बोरिंग इत्यादि देकर पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, इस पर हम लोग प्रयास करेंगे। वो आशा किरण 800 मीटर में गोल्ड मेडल हरियाणा पंचकुला से लेके आई हैं, जो हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। हमारे राज्य एवं गुमला जिला के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सुप्रीति भी गोल्ड मेडल ले आई है, उसके साथ आशा किरण बाड़ला जो कहे तो एक गोल्डन परी के रूप में, जो वो लगातार 6 वर्षों से मेडल लेते आ रही हैं, और हम लोग जिला प्रशासन की ओर से उनकी माँ को सम्मानित करने आए हैं, और उनके घर में जो भी समस्या है उनसे अवगत हम लोग होकर जा रहे हैं, जो जिला प्रशासन की ओर से मदद करेंगे और हर संभव उन्हें हम लोग मदद के लिए तैयार हैं।